दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ थर्ड गिव अवे क्विज कंटेस्ट। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं आज का क्विज कंटेस्ट। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उनका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप विनर रहता है तो आपको 1000 रुपीज केश आपको UPI पेमेंट मोड द्वारा पेमेंट किया जाएगा। और ये मेरा तरफ से, मेरे चैनल का तरफ से 110% गारंटी है। ऑल राइट, और यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है कि मैं टेलीग्राम चैनल मैंने ओपन कर लिया है टेलीग्राम चैनल, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। ये है मेरा चैनल का ऑफिशियल नेम, ओइन मोदी ऑफिशियल। यहाँ पर मैं बीच बीच में आपको PDF फाइल प्रोवाइड करूंगा, तो मेरा चैनल में अब टेलीग्राम चैनल में आप मुझे जुड़ सकते हैं। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। इनसे पहले मैं बता दूं, मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, थर्ड गिव अवे क्विज कंटेस्ट जो 1000 रुपीज का है, ऑल राइट, जो 1000 रुपीज का है, तो इसका कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है, गिव अवे कंटेस्ट क्या है, एक यूनिक कंटेस्ट है। ऑल राइट, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उन क्वेश्चंस का जवाब आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ऑल राइट, और वही कमेंट सेक्शन में जितने आप विनर रहेंगे, और आई मीन टू से दैट जो भी विनर रहेंगे उन्हें मैं 1000 रुपीज UPI पेमेंट मोड द्वारा पेमेंट किया जाएगा। ऑल राइट, और ये गिव अवे कंटेस्ट को मैं एवरी 1K में लाता हूँ, एवरी 1000 सब्सक्राइबर में लाता हूँ। तो आने वाला ये मैं देखेंगे हम कब इसे लाने का डेट होगा, वो मैं फिर से अनाउंस करूँगा मेरे ही चैनल में। अब इसी तरह बने रहेगा। और यहाँ पर क्या है, मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आई विल गिव यू 10 क्वेश्चन, और वही 10 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। और ये MCQ होगा, मतलब क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा, और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना होगा। इसके बाद जो आंसर शुड बी गिवन ओनली इन कमेंट बॉक्स में सिर्फ होना है, एंड आंसर शुड नॉट बी एडिटेड, मतलब आपका आंसर जो एडिट नहीं होना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप एक बार आंसर आपने कमेंट बॉक्स में आपने पोस्ट कर लिया, इसके बाद फिर वही आंसर को आप, वही कमेंट को आप फिर से एडिट नहीं करना है। इसलिए सोच समझ के और टाइम लेके आप आंसर देना होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट का भी कुछ समय देंगे आप लोगों को। इसके बाद ये एक सवाल है, सभी का सवाल है कि अगर इफ 2 or more पार्टिसिपेंट, मतलब कहीं कभी कभार 2 पार्टिसिपेंट या 5 या 10 पार्टिसिपेंट या 15 पार्टिसिपेंट अगर यहाँ पर सेम स्कोर होता है, आउट ऑफ 10 में से अगर सबने 10 स्कोर कर लिया और 15 पार्टिसिपेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं क्या करूँगा, एक चीट बनाऊँगा और सभी का नाम वो चीट में लिखेंगे, और लॉटरी मेथड के जरिए मैं क्या करूँगा, कोई एक विनर को, एक चीट उतारूँगा, कोई भी एक विनर को, कोई भी एक, जो भी चीट मेरा हाथ में आएगा उसे मैं विनर डिक्लेयर करूँगा। ऑलराइट, जो लकी विनर होगा वही थर्ड गिव अवे कंटेस्ट का विनर होगा, जो RS 1000 मिलने वाला है। ऑलराइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करूंगा, विनर विल बी पेड थ्रू UPI पेमेंट मोड इंस्टेंटली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है आपको इंस्टेंटली UPI पेमेंट मोड द्वारा पेमेंट किया जाएगा ये 1000 रुपीज को। यहाँ पर क्या करना है, आप पार्टिसिपेट करना है और विन अवार्ड, आप यू कैन विन द अवार्ड। ऑलराइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरा ही चैनल में ये ऐसा यूनिक है किया जा रहा है। आई थिंक कोई भी करता होगा, ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो पार्टिसिपेंट्स है, मेरा जो व्यूअर्स है, मेरा जो सब्सक्राइबर है, साथ ही साथ सीख भी सके और जीत भी सके, ये मैं चाहता हूँ। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो बिना किस देर की जल्दी से हम क्वेश्चंस में देखते हैं। ऑल राइट, आप रेडी है, नोट और कॉफी पेन रेडी रहिएगा। ऑल राइट, तो इनसे पहले आपको मैं बता दूँ, फर्स्ट और सेकेंड गिव अवे कंटेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, जो उसका विनर से ये था। ऑल राइट, जो फर्स्ट गिव अवे कंटेस्ट का जो विनर था ये आपी ठमुट और तेदे बोझे, उसका जो सेकेंड गिव अवे था अन्नम ठमुट एंड ओलिसी में, एंड OM एजुकेशन का तरफ से उनका फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए विश करता है। ऑल राइट, OM एजुकेशन। ऑल राइट, तो अगर आप थर्ड गिव अवे कंटेस्ट कोई भी जीतता है तो उनके लिए भी मैं विश करूँगा, और मैं चाहता हूँ आप लोग कोई जीते। ऑल राइट, चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, चलिए फटाफट से। ऑल राइट, तो यहां पर नंबर 1 क्वेश्चन आप देखिएगा, ताम्रेश्वरी टेंपल, ठीक है, एक टेंपल है अरुणाचल प्रदेश में, ताम्रेश्वरी टेंपल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये ताम्रेश्वरी टेंपल जो सिचुएटेड है, क्या वो सियांग, तवांग, दिबांग वैली या लोहित में, आपको आंसर सोच के आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में है, तुंगा फास इज लोकेटेड एट,
तुंगा पास इज लोकेटेड एट, तुंगा पास अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा पास है, उनमें से एक है तुंगा पास, वो कहाँ पर लोकेट है, ईस्ट कमेंग, पापुमपारे, वेस्ट सियांग या तिराप। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना ये गिव अवे कंटेस्ट में क्वेश्चन है आपका आने वाले APSSB एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इसलिए ध्यान से देखना है, आप सीख भी रहे साथ ही साथ केस अवार्ड आपको जीत भी रहे, ठीक है। तो ये आइडिया शायद आप लोग कैसे सोच रहा होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्ट बोल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, विच ग्रैंड स्लैम इज प्लेड, पेन को ले लेता हूँ, इज प्लेड ऑन रेड क्ले, ठीक है। ग्रैंड स्लैम मालूम है, ये 4 ग्रैंड स्लैम, ठीक है ना, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन एंड फ्रेंच ओपन, इन्हें क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, और उन ग्रैंड स्लैम जो एक रेड क्ले में खेला जाता है, ठीक है, उसका कोर्ट होता है वो रेड क्ले का होता है, ठीक है, रेड क्ले का, और वो कौन सा ग्रैंड स्लैम है उसका आंसर आपको इन चारों में से बताना है। ऑलराइट, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, अर्जुना अवार्ड, सुना होगा बहुत अर्जुना अवार्ड का बारे में, अर्जुना अवार्ड को कौन सा कैटेगरी के लिए दिया जाता है। ऑलराइट, क्या वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट के लिए दिया जाता है, या आर्चरी के लिए दिया जाता है, क्या वो एयर राइफल के लिए दिया जाता है, क्या वो क्रिकेट के लिए दिया जाता है, वो मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, अर्जुना अवार्ड इज गिवन टू, ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, विच मिनिस्ट्रियल फोर्स गिवन टू श्री किरण रिजिजू। ऑल राइट, आपको मालूम होगा किरण रिजिजू हमारा अरुणाचल प्रदेश का MP है, तो उन्हें मिनिस्ट्रियल फोर्स दिया गया है BJP गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, जो BJP कैबिनेट बनाया है, उन्होंने किरण रिजिजू को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, तो उसका क्या, कौन सा पोस्ट में है, कौन सा मिनिस्ट्री है वो। ऑलराइट, क्या वो लॉ मिनिस्टर है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, रेलवे है, या एजुकेशन है उससे। ऑलराइट, तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, विच टीम, कौन सा टीम रिसेंटली वॉन IPL 2023, कौन सा टीम ने जीता है, ये शायद सभी को मालूम होगा, 99% सबको मालूम होगा IPL, क्योंकि रिसेंटली IPL हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग रहा था, बहुत बढ़िया रहा था ये सीजन IPL का। ऑलराइट, तो कौन सा टीम ने जीता, क्या चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियन, गुजरात टाइटन, या रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ठीक है, आंसर सिर्फ कमेंट बॉक्स पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव, ठीक है, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, अप्रूव किया फंडिंग ऑफ ₹1600 crores। ऑलराइट, 1600 crores इज अ ह्यूज अमाउंट। ऑलराइट, 1600 crores वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहे हैं एक स्टेट को फॉर किसके लिए, पावर सेक्टर डेवलपमेंट के लिए। ऑलराइट, पावर सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए 1600 crores फंडिंग कर रहा है, और वो कौन सा स्टेट को फंडिंग कर रहा है, क्या वो गुजरात है, हिमाचल है, कर्नाटका है, या तमिलनाडु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आने वाला कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है, ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, इन विच स्टेट, कौन सा स्टेट में नामचिक नामपुक कोल फील्ड लोकेटेड है। सुना होगा नामपुक नामचिक या नामचिक नामपुक कोल फील्ड है, ठीक है, जहाँ पर कोल रिजर्व है, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेट है, क्या वो सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, या मणिपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, आप सीख भी रहे और साथ ही साथ जीत भी रहे, उसका मतलब क्या है, आपको नॉलेज भी मिल रहा है ना, तो उसका मतलब है शायद आपको अच्छा लग रहा होगा। तो एनीवे, तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, यहाँ पर दिया है, Who is regarded as, मतलब किसे हम जाना जाता है, किसे हम कहते हैं मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहते हैं, क्या वो M.K. रानाडे है, महात्मा गांधी है, चंद्रसेन है, या राजा राम महान रॉय है। ऑलराइट, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिएगा, यहाँ पर आज का जो क्विज कंटेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10 का, आप देखिएगा यहाँ पर दिया है, करेंटली मतलब रिसेंटली। ऑलराइट, रिसेंटली हाउ मैनी मतलब करेंटली अभी, हाउ मैनी यूनियन टेरिटोरीज आर देयर, कितने यूनियन टेरिटोरीज है रिसेंटली,
ऑल राइट इंडिया में, ठीक है, इंडियन यूनियन टेरिटरी कितना है टोटल आप मुझे बताना है, ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन समाप्त होता है, और एक बात ध्यान में रखिएगा, आप जब भी कमेंट सेक्शन में आंसर दूंगा तो आपको ऐसे करके देना है एग्जाम्पल, जैसे कि हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए, और नाम भी आपको लिखना है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर ऑप्शन डी था, तो वो था आपका के एल एम एन, ठीक है। ऐसे करके आपको नाम भी साथ में सारा 1 to 10 देना है, क्योंकि ऐसा देने से मेरे लिए भी इजी होगा, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट करके रिव्यू जब डिक्लेरेशन रिजल्ट डिक्लेयर करेगा आपका, इसका आंसर को भी मैं रिव्यू करूँगा स्क्रीनशॉट द्वारा, ऑल राइट। तो इसलिए सिस्टमेटिक वे में आपको आंसर देना है, और हाँ एक बार याद रखना है, आंसर आपको पोस्ट करने के बाद उसे फिर से एडिट नहीं करना है, ऑल राइट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, और All answers should be given in comment box only. सिर्फ comment box का जो answer देगा उसे ही accept किया जाएगा, WhatsApp में नहीं करना है मुझे, alright. और इसका declaration जो result important है वो 1st जुलाई को ही declare होगा, 1st जुलाई का शाम को आप wait कीजिएगा, आप 7 PM को wait कीजिएगा शाम, 1st जुलाई को आपका result मिलने वाला है, winner कौन बनने वाला है वो आपको पता चलेंगे, और जो भी winner रहेगा उन्हें मैं 1000 rupees, ये मेरा चैनल का तरफ से और मेरा तरफ से 110% गारंटी है, ऑल राइट। तो यहाँ तक ही था आज का वीडियो, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यही नहीं सोचिएगा कि ये सिर्फ प्राइस विन करने के लिए नहीं, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, साथ ही साथ आपका प्रिपरेशन भी हो रहा है आपका आने वाला एग्जाम के लिए। सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।